हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी क्विज थी ICRMCR एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्री मॉक टेस्ट सीरीज 2 क्विज 3 ऑन एंटामोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बंचेट ऑफ अपेयरेंस सिम्टम्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ शुगर केन। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था टॉप बोरर। सो गाइस, उसके बाद हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है शूट बोरर। सो गाइस, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, नंबर ऑफ फीडिंग पंक्चर्स नियर द बेस ऑफ शूट्स, आफ्टर दैट द इंटरनोड बोरर। सो गाइस, इसमें शॉर्टनेड बोर होल्स आ जाते हैं। आफ्टर लास्ट वन है गुरदासपुर। सो गाइस, इसमें टू फेजेस आते हैं, गैगरियस फेज एंड सॉलिटरी फेज। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो वायरस। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था नेफोटेटिंग वायरसेस, जिसको हम ग्रीन लीफ होपर भी बोलते हैं। आफ्टर दैट हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है नील पर्वत एलुजन। सो गाइस, ये ब्राउन प्लांट होपर है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, हॉपर बर्न सिम्टम्स आ जाते हैं इन यंग प्लांट्स। आफ्टर दैट थर्ड नंबर था हमारा ओरेसिया ओराइजा। सो गाइज, इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं गॉल मिर्च फ्लाई। आफ्टर दैट थर्ड नंबर क्वेश्चन था हमारा, अमेरिस्का बिगुटुला बिगुटुला इज साइंटिफिक नेम ऑफ डैडस पेस्ट। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था लीफ होपर, जिसको हम कॉटन जैसेट भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था हमारा, रोसेटिंग ऑफ फ्लावर्स इज एंड सिम्टम्स फाउंड इन डैडस पेस्ट ऑफ कॉटन। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था हमारा पिंक बोलवम। आफ्टर दैट अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो स्पॉटेड बोलवर्म है, इसमें फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वेयर आ जाते हैं, ये मेन सिम्टम्स है उसमें। आफ्टर दैट अमेरिकन बोलवर्म में है लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विद द फीड पैलेट्स और फेकल पैलेट्स। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था हमारा, HANPV यूज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। ये गाइज क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। सो गाइज, इसमें जो पिंक बोलवा में एफिड और जासिड है, इसके लिए यह HANPV यूज करते हैं और लीफ फोल्डर में यूज़ नहीं किया जाता है। आफ्टर दैट सिक्स नंबर क्वेश्चन था हमारा, येलो सी की ट्रैप यूज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। सो गाइस, उसका करेक्ट आंसर था वन। सेवन नंबर क्वेश्चन था हमारा, द पेस्ट अकर इन फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज कॉल्ड एज। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था स्पोराडिक पेस्ट। आफ्टर दैट अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आता है एंडेमिक पेस्ट। सो गाइस, इसका जो मीनिंग होता है, अकर्स इन सेम एरिया ईयर आफ्टर ईयर, और इसमें आते हैं नेमेटोड ऑन पोटैटो इन नीलगिरी हिल्स। आफ्टर दैट ऑकेजनल पेस्ट देखेंगे, इसमें इसका मीनिंग होता है अकरिंग लेस फ्रिक्वेंटली, और इसका एग्जांपल है केसवर्म ऑन राइस। आफ्टर दैट नाइन नंबर क्वेश्चन, अदर ऑप्शन था हमारा रेगुलर पेस्ट। सो गाइस, इसमें होता है अकर ऑन मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन कल्टिवेटेड क्रॉप्स। इसमें एग्जाम्पल आते हैं कॉटन बोलवर्म, ब्रिंजर फ्रूट बोरर। आफ्टर दैट एट नंबर क्वेश्चन था हमारा, चिली थ्रिप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था परसिस्टेंट पेस्ट, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर वाला है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अदर ऑप्शन के बारे में उनके क्या मीनिंग होते हैं। सो गाइज, माइग्रेटरी पेस्ट के बारे में जानेंगे। सो इट्स मूव्स फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एंड कॉज डैमेज। सो गाइज, इसमें एग्जाम्पल है लॉकस्ट। उसके बाद है पैंडेमिक पेस्ट। सो गाइज, इसका जो मीनिंग होता है, ऑकर इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और एंटायर कंट्री और कॉन्टिनेंट। इसमें आता है लोकस्ट आउटब्रेक। आफ्टर दैट एंडेमिक पेस्ट। सो गाइज, एपिडेमिक पेस्ट। सो गाइज, इसका जो मीनिंग होता है, ऑकर इन पर्टिकुलर एरिया सीजन इन सेवियर फॉर्म। आफ्टर दैट नाइन नंबर क्वेश्चन था हमारा, MCU3 इज एन रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ डैडस पेस्ट। सो गाइज, ये वैरायटी है रेजिस्टेंस टीम रिवील के लिए। टेन नंबर क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस कंटेन पेंटाडेकोनॉल एंड सिलिका। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था DKM6। आफ्टर दैट ये जो सेकंड और थर्ड नंबर दिया हुआ है, PY3 और CO42, ये दोनों भी जो वैरायटीज है ब्राउन प्लांट होपर के लिए रेजिस्टेंट है। आफ्टर दैट 11 नंबर क्वेश्चन था हमारा, मेंटेक डिसीज कॉज ड्यू टू। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था राइस रूट नेमेटोड, इसकी वजह से होता है मेंटेक डिसीज। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, राइस टीम नेमेटोड, इसकी वजह से उफरा डिसीज होता है इन राइस। 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ शुगर कैन स्टार्ट अटैक फ्रॉम द फोर्थ मंथ ऑनवर्ड।
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था इंटरनोड बोरर। 13 नंबर क्वेश्चन था हमारा डेडैश इज एन मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था। सो इसमें जो पेस्ट आता है वो होता है येलो स्टीम बोरर ऑफ राइस, वो मोनोफेगस पेस्ट है इसका। फॉर दैट 14 नंबर क्वेश्चन था हमारा ईयर कॉकल नेमेटोड ऑफ वीट कॉज ड्यू टू। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था बैक्टीरिया प्लस नेमेटोड। 15 नंबर क्वेश्चन था हमारा ओफ्रा डिसीज ऑफ राइस कॉज ड्यू टू। सो गाइस यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है, उसका करेक्ट ऑप्शन था राइस स्टीम नेमेटोड। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।